डिलीवरी बॉय को, अच्छा अगर आप नहीं पे कर सकते तो आप बोल सकते हैं डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, आपका पार्सल बिल्कुल फ्री है। हाँ जो लोगों से पूछो कि एक एयरपोर्ट से आपका कोई भी लगभग आपको 30-31 हज़ार में इंडियन इंडियन करेंसी के। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ, जो फ़ोन करके लोगों को व्हाट्सएप में ठगता है ना कि आपका आईफोन देंगे, 25 लाख रुपया देंगे, उसी टॉपिक पे मैंने पूरा वीडियो बना। आप लोग पहले वीडियो देखे, मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ, तो कृपया करके जो है आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा जानकारी रखिए, ये सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। कोई भी 1.5 लाख रुपये में, 1.5 लाख का फ़ोन आपको 2 हज़ार में नहीं देगा। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 2-2 हज़ार जो कस्टम ड्यूटी टैक्स आ रहा था, मैं बड़ा भाई अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ जमजम इलेक्ट्रॉनिक की ओर से, आपने वो क्यों नहीं पे किया, क्या प्रॉब्लम बना? कब बोले हैं आप? अभी तो बोले ही नहीं आप, अभी तो आप मैसेज किए हैं। आपको डिलीवरी बॉय के पास आप कॉले करते रहे, आपने उनको गालियां भी दी हैं, इसका ये तो मतलब नहीं होता कि इंसानियत को भूल के आदमी किसी को गालियां दे दे डिलीवरी बॉय को। अच्छा अगर आप नहीं पे कर सकते तो आप बोल सकते, देखे आपकी माँ बेटी है, हमारी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, हाँ, एक दूसरे को गाली देने से नहीं क्या भैया, फर्क सुनिए पड़ता सुनिए, ईमानदारी से आपसे बात कर, भाई भाई मेरा बात सुनिए, ठीक है? आपको गाली नहीं देंगे, ठीक है? ईमानदारी से आपको बात करते हैं, ठीक है? आप ईमानदारी से बताना, ठीक है? क्या 2 हज़ार में कोई आईफोन दे सकता है क्या, ये बताओ आप मेरे को। हेलो, सर? आपकी बात बिल्कुल, हाँ सर आपकी बात ठीक है, आपने जो सवाल किया उसका जवाब मुझसे नहीं हाँ दिया, आपने वाकई सवाल किया है। जी, एक मुझे बात बता दो, जैसे एक आदमी का इतना बड़ा कारोबार है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल पे हम मिलियन हिसाब से हम कमाई करते हैं, हमारे जो हमें फॉलो करता, लाइक करता यार, या हमारी वीडियो को कोई, वो जो वीडियो घूमती है बोतल जैसे, हमारे काफी चीज रोक के दिखा देता, हम उसको पार्सल दुनिया में देंगे और लोग हमें कितने फॉलो और शेयर करेंगे, जी हमारा मिलियन साहब, हम यहाँ से धर्म कमाते हैं। धर्म का जी मतलब समझते हैं रियाल, जी समझते हैं। अच्छा, आप ईमानदारी से हमारे एक बात बताइए, हाँ सुनिए रियाल, सुनिए, आपको भी पता है कितना मेहनत से आदमी पैसा कमाता है, हमको भी पता है, ठीक है ना? 1 रुपया के लिए आदमी दिन भर मेहनत करना पड़ता है, ठीक है? 2 लाख का चीज भाई, अभी जमजम का मैं वीडियो हमेशा देखता हूँ, और उनसे जो है मेरा 2-4 यूट्यूबर से जानकारी भी है, उनसे बात भी हुआ है, यूट्यूबर सारे से, सबने बोला है कि जितना भी व्हाट्सएप में कॉल करता है सारे के सारे फेक है। ऐसा कोई वो लोग डिलीवरी नहीं करता है जो 2 हज़ार रुपये पहले पेमेंट करता है। वो लोग जो डिलीवरी करता है या तो पूरा फ्री होता है या तो नहीं करता है, जो सीधी सी बात है। उनका साफ जो आबे जमजम का साफ बोल रहे छोटे, हाँ बोलिए, सही बात है, हाँ सही बोलिए, बात है, आपकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, आपका पार्सल बिल्कुल फ्री है। हाँ जो लोगों से पूछो कि एक एयरपोर्ट से आपका कोई भी पार्सल, यानी कि आप किसी को डिलीवरी करवा देते हैं, हाँ एयरपोर्ट वालों का तो कस्टम ड्यूटी बनता है ना, हाँ बनता है, हाँ ये जो एयरपोर्ट जो गवर्नमेंट के ये नियम होते हैं ना, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसका मतलब ये होता है कि एयरपोर्ट जो चल रहा है वो हाँ किसके सिर पे चल रहा है, जी, वो तो देखे सरकार के भाई, बल। अगर आप एक खाली पासपोर्ट बना लेते हो, उसका ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ जाता हाँ जी है, और आप टिकट एयरपोर्ट में जाके अपना टिकट बनवाते हो कि सर मैंने बाहरली कंट्री में जाना है, वो लगभग आपको 30-31 हज़ार में इंडियन इंडियन करेंसी के मुताबिक ना, दुबई टू 31 हज़ार में पड़ रहा है, ठीक है? जी वो किसी हर चीज एयरपोर्ट में तो हर चीज का टैक्स पड़ रहा है भैया, ये जी बात नहीं है कि कोई 2 हज़ार के पीछे आपका आईफोन क्यों ना दे, ये बात नहीं है, ये गवर्नमेंट का रूल होता है। भैया, एक मैंने बात कुछ आपको ईमानदारी बताया से कि जवाब डिलीवरी दोगे, फ्री है, एक बात हाँ कुछ बताइए, ईमानदारी से हम जवाब दोगे, बिल्कुल देंगे, आप ये बिल्कुल बता, देंगे। अभी तक आप कितने लोगों लूट चुके हैं ऐसा करके, ईमानदारी से बताना। मैं किसी मैं आपको ना भैया, देखो आपसे मैं आपसे बात कर, अभी आपसे बात कर, ठीक है? आप ईमानदारी से बताना, आप इधर कितना लोग आप लूट चुके हो, क्योंकि मैंने मुझे अभी तक तो नहीं लूटा, यकीन मानिए, भाई देखो मुझे भी लेकिन पता है, आपने भाई मौका सुनो तो भाई नहीं दिया। सुनो, मैंने भी दुनिया देखा है, आपने भी देखा है, ठीक है? आप जो कर रहे हो मुझे पता है, ठीक है?
आप जो कर रहे हो फ्रॉड लोगों के साथ में, मुझे पता है, ठीक है, इसके लिए आप भी अपना रोजी रोटी चला रहे भाई, कोई बात नहीं, आप चलाओ, लेकिन यार पहले देख तो लो कि वो बंदा जो आप जो से बात कर रहे हैं, ठीक है, 2000 रुपये आप बोल रहे हैं, कल अभी थोड़ा देर पहले मेरा पास में भाई ऐसे ऐसा बात है, तब मैंने उसको बताया, देखो ये बंदा जो है घर में हेल्पर ही करता है, ठीक है, महीना को 4000 रुपये मिलता है, आप बताओ अभी 2000 रुपये, मान लो आप तो पर्सन नहीं दोगे, मुझे पक्का पता है, ठीक है, 2000 रुपये आप दे दोगे, बताओ उसका घर का अकेला है, उसका एक माँ है, 2000 रुपये बंदा दे दिया तो क्या करेगा वो, बताओ। ये बात आपकी ठीक है, जो बात आपने सही बोली है ये जी बात आपकी ठीक है। ठीक भाई, है, मैंने गाली उसको पता किस है लिए दिया भाई, सुनो, मैंने गाली उसको किस लिए दिया, ठीक है, कि मैं बंदा चेक करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है जो सच्चा होगा वो रिटर्न से कभी गाली नहीं देगा, ठीक है, या तो उसका डिलीवरी कॉस्ट या तो कैश ऑन डिलीवरी होगा, ठीक है, आपको अगर इतना है मैं एड्रेस तो आप कर दो, कैश ऑन डिलीवरी 2000 नहीं, मैं अपनी तरफ से 10000 दूंगा, आप वो करोगे नहीं क्योंकि आप भेजोगे नहीं, जो पहला बात है, आप अगर कर सकते हो, ठीक है, मैं अपना आईडी प्रूफ देता हूँ, आप डिलीवरी कराओ, ठीक है, आपको 10000 रुपया देंगे, 2000 नहीं 10000 देंगे, लेकिन आप वो करोगे नहीं क्योंकि आपको करना है फ्रॉड, ठीक है ना, तो भाई थोड़ा आदमी देख लो, आपको पता है, क्योंकि फंसेंगे वही जो गरीब गरीब है, जो मतलब कुछ जानकारी नहीं वही फंसेंगे, क्योंकि जो अच्छा आदमी हो तो फंसेंगे नहीं, पढ़ा लिखा आदमी जिसको थोड़ा नॉलेज हो तो कभी फंसेंगे नहीं, तो आप लोग वैसे लोगों का आप लोग देख के फंसाते हो, है कि नहीं, सच बताना भाई। हेलो, आप समझदार थे जब आप खुद ना आपने पहचान ही लिया, तो बाकी भाई आपके पीछे बात क्या रहेगी। आपकी बात ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, नहीं भाई आप मेरा बात आदमी सुनो, को ये तो देखो, नहीं पता होता कि यार अनजान है, हाँ भाई बिना देखे आदमी ये तो नहीं रिस्पॉन्स कर उठा सकता। जी, आपका बात जायज है, देखो मैं गाली नहीं दे रहा था, देखो इतना भी संस्कार बुरे नहीं, हम किसी को गाली दे, क्योंकि गुस्सा आ गया यार, ये लड़का देखो 2000 रुपये करने वाला था, ठीक है, गरीब बंदा है, मेरा मेरा ही गाड़ी में खलासी करता है, समझे आप, जब मेरे को बोला भाई ऐसा बात नहीं, देख छोटे ऐसा बात नहीं है, देख अभी देख तेरे मैं दूध का दूध पानी करता हूँ, तब मैंने गाली दिया है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, गाली दिया जिसके लिए, ठीक है, खराब मत होना, उस बंदे को बोल देना ये आप ही था या वो था, लेकिन भाई देखो अभी दुनिया में बहुत काम धंधा है, काम धंधा करो, लोगों को फ्रॉड करना छोड़ दो यार, लोगों का बद्दुआ लग जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों से आप लोग ठगे हो कि क्या बात है यार, उनका अगर परिस्थिति देखो ना तो रोना आ जाता है, सच बता रहा है भाई कसम से, आज ही आपसे एक हफ्ते पहले का बात बोलता हूँ, हमारे घर में उसका पति नहीं है, एक औरत है और उसका एक बेटा है, उसका बेटे को इसे आप लोग फंसा के 25000 रुपये ले लिया, जो किस्त पे लिया हुआ था पैसा, जो आपका गांव का जो गुट होता है ना, आपको पता है जो लोन देता है गांव वाले, उस गांव से लोन से उसका मम्मी पैसा उठाया था कि आपका गाय खरीदेगा, गाय का दूध बेचेगा बोल के, उसका लड़के ने क्या, उसका अकाउंट में पैसा था, उसने मारते मारते 25000 डाल दिया, समझो ना, पहले बोला 2000, 2000 दे दिया, फिर बोला 3000 दे, करते करते 25000 रुपया लूट लिया उसका, बाद में जब पता चला तब मैंने उसको समझाया, अब कर क्या सकता है, देखो कोई तो अपना पैसा किसी को नहीं देगा, फोकट में कोई भी नहीं देगा, आप भी नहीं दोगे, मैं भी नहीं दूंगा, ठीक है, उसका चाहे घर का परिस्थिति कितना भी खराब हो, है कि नहीं, बोलिए ठीक बात है भाई, आप भाई, ठीक हो। भाई यार देखो ऐसा मत लूटो यार किसी को भी, आपका भी घर में माँ बहन है, हाय लग जाएगा यार, गरीब हो गए यार, मेहनत करो, आप लोग अच्छे पढ़े लिखे हो, मुझे पता है आप लोग अनपढ़ नहीं हो, आप लोग सब पर हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ज़्यादा समझदार हो यार, अच्छे काम करो यार, लोग हाई क्यों ले रहे हो यार जबानी में, बताओ ये पैसा काम आएगा क्या मरने के बाद, नहीं आएगा भाई, कुछ भी नहीं काम आएगा, सब आपको काम आपको आएगा देखो यार, आप अच्छी मेरे से बात ज़्यादा है। समझदार, आपको मैं समझाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से बात बोल रहा हूँ यार, ये चीज़ बहुत गलत है भाई, ऐसा मत करो यार आप लोग, जैसे मान लो मेरा से आप मेरे से आप 2000 रुपये ले लो, आप मेरे से 2000 रुपये, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि आज आप 2000 रुपये, मैं कल कमा लूंगा, लेकिन आप जिस बंदे से बात कर रहे हो पूरा महीने का सैलरी उसको 4000 है, मैं दे रहा हूँ भाई, मैं खुद दे रहा हूँ उसको 4000 सैलरी, समझे भाई, ऐसा कर लोगों मत फंसाओ यार, हमको सबको पता है कोई 1.5 लाख का आईफोन कोई नहीं अच्छा देगा एक दो मिनट, हजार में, मैं आपको कॉल करता हूँ, बीच में कॉल आ रही है, मैं कॉल करता हूँ। जी ठीक है, जितने भी मेरा सब्सक्राइबर है, मेरे को देखने वाले लोग हैं, सबसे मैं एक बात बोलता, अभी मैं बात की आप लोगों ने सुना, ठीक है, और ये सब चीज़ में आप लोग कभी मत फंसिए, इसको आज 3 दिन से परेशान कर रहा है मेरा खलासी है, इसको 3 दिन से परेशान कर रहा है कि 2000 भेज दो, 2000 भेज दो, ये क्या किया, इसको लग रहा था सही है, पैसा भी मानने का रेडी हो गया, जब मैंने उसको गाली दिया, वो भाई से डिलीट कर दिया, आपको नहीं सुना पाएंगे, पर मैंने क्या गाली दिया वो मैं सुना सकता हूँ आपको, मैंने जब उसको गाली दिया रिटर्न में गाली दिया, तब मैंने उसको फ़ोन किया, अच्छे से बात किया, आप लोगों ने सारी बात सुना, ठीक है, तो ये सब चीज़ों से आप लोग दूर रहिए, कृपया करके, कोई भाई 1.5 लाख का फ़ोन कोई 2000 में नहीं देगा, ये सच बात है, और उसको वो भी उसने खुद भी सिखा रहा है कि भाई कोई नहीं देगा, समझे ना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रख, सारा डिलीट कर दिया, ठीक है, बहुत सारा था, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, इसमें देखिए, ये देखिए मेरा सारा पैसा, थोड़ा मैं आप लोग को सुनाता हूँ, तेरी माँ की बुर मिलन, तेरे बहन की बुर मिलन, भोसड़ी वाला माँ,
और बाकी ये सारा भेजा था इसमें सारा डिलीट कर दिया। ये फोटो देखिए डिलीवरी बॉय, ठीक है ये वीडियो देखिए। भाई ये जमजम की तरफ से आपका बॉक्स आया हुआ है, बॉक्स नंबर 8, ये देख लीजिए। ये 20 बॉक्स आए थे हमारे पास, ये आपके सामने पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं जो आपका ये बॉक्स नंबर 8 है, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपका क्या क्या चीजें पड़ा हुआ है। ये मैं ओपन कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ये आप देख लें। क्योंकि ये देखें आपकी जो चीजें पड़ी हुई है, आईफोन 40 प्रो मैक्स है, और उसके बाद एक आपका वॉच है, और उसके बाद आपका एक ये एयरबड्स है जो कानों में ब्लूटूथ लगाते हैं, और उसके बाद सर ये आईपैड है, ठीक है। ये आपकी चीजें आई हुई हैं, तो आप ऐसा करें 4000 इसका जो टैक्स है वो पे करें और अपना बॉक्स रिसीव करें। ये 4000 आ रहा है, ये देख लीजिए, DHL ऑनलाइन सर्विस। आप लोग इस तरह से लोगों को ठगता है तो कृपया करके आप लोग थोड़ा से दूर रहिए।